हेलो बच्चों, कैसे हो आप? मुझे लगता है आप सभी अच्छे होंगे। तो आज अपना हिंदी चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जिसका चैप्टर फर्स्ट दो बैलों की कथा। इसके लेखक हैं प्रेमचंद जी। तो थोड़ा प्रेमचंद जी के बारे में भी पढ़ लेते हैं कि प्रेमचंद जी का जन्म कब हुआ था, 1880 में कहाँ हुआ था, बनारस में। बनारस में उनका जन्म हुआ था, तो लम्ही नामक गांव था। उनके जन्म स्थान का क्या नाम था? लम्ही नामक गांव। उनका मूल नाम धनपत राय था और प्रेमचंद का बचपन अभाव में बीता था और शिक्षा बीए तक ही उनकी हुई थी। और उन्होंने अनेक उपन्यास भी लिखे थे, जिसमें सेवा सदन, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन आदि इनके प्रमुख संकलन आदि बहुत सारे उन्होंने लेख इसमें लिखे थे। तो चलिए शुरुआत करते हैं दो बैलों की कथा। तो जानवरों में गधा सबसे ज्यादा बुद्धिमान समझा जाता है। किसको बताया है? गधे को। जब किसी भी आदमी को परले दरवाजे का बेवकूफ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। सबसे ज्यादा बेवकूफ किसको माना गया है? गधे को बताया गया है। गधा सचमुच बेवकूफ है, या उसके सीधेपन या उसकी निरापद सहिष्णुता उसे यह पदवी दे रही है। क्या दे रही है? यह पदवी दे रही है। इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। गाय सींग मारती हैं। ब्याई हुई गाय तो अनायासी सेहने का रूप धारण कर लेती है। और कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ जाता है। किंतु इसके विपरीत गधे को कभी क्रोध करते हमने नहीं सुना होगा और न ही देखा होगा। चाहे गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी भी असंतोष की छाया आपने नहीं देखी होगी, ना ही दिखाई देगी। वैशाख में चाहे एकाध बार कुलेल कर लेता हो, पर हमने तो कभी उसे खुश होते नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक विषाद स्थायी रूप से छाया रहता है। वह जैसा है वैसा दिखता है। सुख दुख, लाभ हानि या किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा है। वह जैसा है वैसा ही रहता है। इसके बारे में ऋषि मुनियों का क्या कहना है कि ऋषि मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं, पर आदमी उसे बेवकूफ कहता है। क्या कहता है? हम सब या उसे बेवकूफ समझते हैं। उसके सद्गुणों को कोई पहचान नहीं करता है। सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा है, ताकि उसमें सद्गुण भी है लेकिन उसका अनादर अपने कहीं नहीं देखा है। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। क्या है? इस संसार में सीधापन उपयुक्त नहीं माना गया है। देखिए ना भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता? बेचारे शराब नहीं पीते, चार पैसे कुसमय के लिए बचा कर रखते हैं, जी तोड़कर काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, चार बातें सुनकर गम खा जाते हैं। जब अपन किसी भारतीय को अपन विदेश में जाते हैं तो वहां से क्या कमाई करने का पैसा लाने की सोचते हैं और किसी से लड़ाई झगड़ा भी नहीं करते हैं, और जो कोई सामने वाला कहता था उसकी बातें भी सुन लेते हैं, फिर भी हमें बदनाम समझा जाता है। वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वे ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाने लगते। जापान की मिसाल सामने है। एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया। किसको बना दिया है? गधे को। लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है। गधे का एक छोटा भाई और भी है। उसे क्या नाम दिया गया है इसके बारे में देखते हैं। जो उससे कम ही गधा है, और वह कौन है?
उसे बताया है बेल। जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं, मतलब बेल का भी प्रयोग करते हैं। कुछ लोग बेल को शायद बेवकूफों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है, क्योंकि अपन बैल को एकाएक बेवकूफ नहीं कह सकते। बैल कभी कभी मारता भी है और कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आते हैं, जो और कई रीतियों में से अपना असंतोष प्रकट कर देते हैं। देखा होगा आपने भी कहीं कहीं बैल इतने उत्तेजित हो जाते हैं कि अपना आपा खो बैठते हैं। अतएव उनका स्थान गधे से नीचा है। किससे नीचा है? गधे से तो नीचा ही बताया है। जूरी कांची के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। तो चलिए बैल के बारे में अपन कहानी पढ़ रहे हैं तो इस कथा में उनके नाम आ जाते हैं, एक का नाम हीरा और दूसरे का मोती। दोनों पछाई जाति के थे, देखने में सुंदर, काम में चौकस, दिल में ऊंचे। बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था, मतलब आपस में लड़ाई झगड़ा वह नहीं करते थे। दोनों एक साथ रहते, एक साथ खाते और एक साथ सोते थे। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मुक भाषा में विचार विनिमय करते हैं और आपस में क्या करते थे, बातें भी करते रहते थे। एक दूसरे के मन की बात वे झट से समझ जाते थे। मुख भाषा विचार में देख करके सब वह समझ जाते थे। हम नहीं कह सकते हैं, अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी, जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। दोनों एक दूसरे को चाटकर और सुनकर अपना प्रेम प्रकट करते थे। क्या करते थे? दोनों अपना प्रेम प्रकट करते थे। कभी कभी दोनों सिंह भी मिला लिया करते थे, विग्रह के नाते से ही नहीं, केवल विनोद भाव से, मतलब आपस में भाईचारा बातें करने के लिए दोनों आपस में क्या कर लेते थे, सिंह मिला लेते थे। आत्मीयता के भाव से, जैसे दोनों में घनिष्ठता होते ही गोल धब्बा होने लगता, मतलब आपस में ऐसे प्रेम भाव से बातें करते थे। इनके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी और कुछ हल्की सी रहती है। कभी कभी विषाद भी, मतलब झगड़ा भी करते और वापस मिल जाते हैं। जिस पर ज्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता, जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते हैं और गर्दन हिला हिला कर चलते हैं। जब उनको किसी गाड़ी में जोत दिया जाता था तो वह भी गर्दन हिला हिला कर एक साथ एक दूसरे की होड़ नहीं करते और आपसी भाईचारे के साथ चलते थे, वो भी गर्दन हिला हिला। उस वक्त एक ही यही चेष्टा होती थी कि ज्यादा से ज्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पर रहे। दोनों की यही इच्छा रहती थी कि जितना बोझ हो मैं सह लूं। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लिया करते थे। नांद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, मतलब दोनों आप भोजन भी साथ साथ करते थे। नान में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे, मतलब दोनों भोजन भी साथ साथ करते हैं और खाना खाने के बाद दोनों एक ही साथ उठते और बैठते थे। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी वहां से हटा लेता था, संयोग की बात, जूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। बेलों को क्या मालूम कि क्यों भेजे जा रहे हैं, समझे मालिक ने हमें बेच दिया। उन्होंने ऐसा सोचा, उनके मन में यह विचार आया कि यह हमें तो बेचा जा रहा है, अपना यूं बेचा जाना उन्हें अच्छा नहीं लगा या बुरा कौन जाने। पर जूरी के साले गया को घर तक गोई ले जाने में दांतों तले पसीना आ गया, वह तो वहां से जाना नहीं चाहते थे। पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते, मतलब एक दूसरे के विपरीत भागने लगे। पगहिया पकड़कर आगे खींचता तो दोनों पीछे जोर लगाते, मारता तो दोनों सिंगों से नीचे झुकाते। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी ही
दी होती तो वह तुरंत वहां से कह देते कि हमें नहीं जाना है। तो जूरी ने से पूछते, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो? उन्होंने उनके मालिक जूरी से पूछा कि तुम हमें क्यों निकाल रहे हो, हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी, अगर इतनी मेहनत से हम काम न चलता तो और काम ले लेते, हमसे अगर बनता तो और काम लेना चाहो तो और काम भी ले सकते थे, हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल है, लेकिन हमें यहाँ से नहीं जाना है, हमने तो कभी दाने चारे की भी हम आपसे शिकायत नहीं की है, तुमने तो कुछ खिलाया वह सर झुकाकर खा लिया, फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथ क्यों बेच दिया, तुमने हमें इस जालिम के पास क्यों बेच दिया? तो इस चैप्टर का जो भी अंश बचा हुआ वह अगले वीडियो में पढ़ेंगे, तब तक के लिए थैंक्स।